स्वागत है आप दर्शकों का हमारे एजुकेशनल एंड टेक्निकल चैनल कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन हब ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट में। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अपलोड किए जाने वाले नए नए और आकर्षक एजुकेशनल एंड टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारे चैनल में हमारे दर्शकों द्वारा पसंद किए गए बहुत सारे पॉपुलर वीडियोज़ हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल में अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज़ है, जिसको आप अपने अनुसार देख सकते हैं, और बहुत सारे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे मोटिवेटिव वीडियोस पा सकते हैं। कभी कभार पढ़ाई में आप भटक जाते हैं, पता नहीं चलता है कि अब क्या करना है, तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी हमारे चैनल में मौजूद है, जिससे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं या फिर अपना इंटरनल पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। सो डैट हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस के साथ बने रहें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने विजिटर्स का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिट टाइम दिया आप लोगों ने, बहुत सारा व्यूज़ दिया आप लोगों का, इतना प्यार देखकर हम लोगों को, यूट्यूब क्रिएटर्स को पावर मिलती है, और फिर हम लोग और दुगने पावर के साथ काम करते हैं और आप लोगों को बेस्ट एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स देने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें, और अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमारे चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जानते हैं सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब कर दें। और इससे होगा क्या, सब्सक्राइब करने से ये कुछ नहीं है, बस मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, शुरू में ही मैंने बताया था। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने हिंदी पीआर स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हिंदी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए हिंदी एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव है, जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारा चैनल मैथ्स और साइंस का है, एंड आई एम ऑल्सो ए मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश टीचर, सो डैट इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बुक से ढूंढ कर या फिर नेट से खोज के बनाए गए हैं। तो अगर एक दो क्वेश्चन गलती होती है तो आप मुझे क्षमा करेंगे, फिर भी मैं अपने तरफ से 100% सही करने का प्रयत्न किया है और सही भी किया है अपने हिसाब से बिल्कुल। चलिए आइए तो बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पहनावा। पहनावा भाववाचक संज्ञा है, कि पहनावा आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओके। तो पहनावा हमारा भाववाचक संज्ञा है, पहला का सी। दूसरा है मैं आप चला जाऊंगा, आप यानी स्वयं, स्वयं जो है जो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाता है, ओके, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाता है, क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर सी। अगला की क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से के लिए करण आएगा, ऑप्शन नंबर ए, फोर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ, भूतकाल हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, डी। अगला क्वेश्चन, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का संधि विच्छेद है बी जोड़ आयाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ रब, ये तो लगता है नीरव मोदी के अनुसार पूछ दिया है। चलिए आइए देखते हैं, नीरव यानी निह जोड़ रब, अभी ट्रेंडिंग में है तो पूछ दिया है, तो निह जोड़ रब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म, आजन्म कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है आजन्म, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मरण, देखिए डैश वाला जो होता है उसको द्वंद समास बोला जाता है, लोटा थारी, जन्म मरण, सुख दुख, ये सब द्वंद समास है, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में निस उपसर्ग है, निष्ठा, निर्था और निष्ठा, निहता, निष्ठा और निर्था, तो यहाँ पे निस्तेज में निस उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से बना है निश्चय वगैरह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में प्रत्यय है आपा, बूढ़ा जोड़ आपा, बुढ़ापा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है उच्छ्वास? उच्छ्वास का मतलब होता है उच्छ्वास, ये श्वास से संबंधित है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास सही है। बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा सही है, तो हमारा ए नंबर सही है, चरम जोड़ उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर ए 13 का। अगला क्वेश्चन, यह बालक कहाँ जा रहे हैं? नहीं, प्लूरल रहता तब ना जा रहे हैं, यह बालक कहाँ जा रहा है सही होता, तो ये गलत है। बच्चा का क्या समाचार है? बच्चे का क्या समाचार है, आपके बच्चे का क्या समाचार है, ऐसा रहता। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये सही है। और जो डी है, लता दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, ऐसा हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, उसके बाद है आधुनिक सभ्य समाज श्रम, ये अब हम लोग बुक में इन कर चुके हैं। तो बोलता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो सोचता है कि कार्य कुशलता के लिए, यानी कि जो छोटे लोग हैं, जो बढ़ई हैं, वही केवल बढ़ई का काम ठीक से कर सकते हैं, जबकि ये जानते नहीं है कि अपना एक होता है, तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। बट ये सही, मतलब ऐसा थिंकिंग सही नहीं है। 16 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट पे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनती हैं, सेन साहब ने कहा था एक बच्चे के लिए, 18 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी भाषा विज्ञान, भाषा की वजह से। ओके, बाकी और ऑप्शन सुटेबल नहीं था तो मैंने भाषा दिया, और भाषा ही अबाउट सही है, बट अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप देख सकते हैं, बट भाषा विज्ञान 19 का। ये सहजात वृत्तियां कहते हैं अस्त्रों के संचयन से, अस्त्र का संचयन करना सहजात वृत्तियां कहलाती है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत में मिलने शुरू हो जाते हैं। बेतमा पत्र, बेतमा पत्र 1921 के समय का है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा नेट पे जाके चेक कर लेंगे बेतमा पत्र को, बट मैंने 1021 मारा है, 1021 ईस्वी। अगर आपको और मतलब मिलेगा इसका या कोई गलत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, मैं भी सुधार दूंगा तो ठीक रहेगा, बट 1021 मैंने मारा है इसमें, 1021 देख के कहीं से। बहादुर लेखक के घर से अचानक चला जाता है क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान मिलता है समाजवादी व्यवस्था से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ला मादा मोजेल द आविन्यू पिकासो की रचना है। ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किया जाता है। मछली कहानी निम्न मध्यवर्गीय परिवार का एक चित्रण है, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्ला खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? डी मुहर्रम। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा। ओके, आध्यात्मिक शिक्षा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब राम नाम उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान के रचना काल के समय राज्यकाल था जहांगीर का, 32 का ऑप्शन नंबर सी। कवि ने पर्जन्य बोला है बादल को, बादल को ही पर्जन्य बोला जाता है, घोर घनघोर बादल को पर्जन्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेमधन अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चांद से की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है, नेता नहीं, अधिकारी नहीं, मंत्री नहीं, जनता, मिट्टी की अबोध मूर्तें। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन नंबर डी 37 का। एक वृक्ष की हत्या कविता इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है, 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में दंगे, अगजनी और बमबारी। ये क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 जरा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, अगर आप थोड़ा सा इसको कर ले नेट पे चेक तो ठीक रहेगा। 39 और 40, ऐसे तो 40 ठीक है, सफलता के पहले मुस्कान ही सृष्टि का विकास कहा गया है, 39 एंड 40। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? प्रयाग शुल्क, प्रयाग शुल्क ने इसको भाषांतरित किया है। मेरे बिना
तुम प्रभु किस भाषा से, देखिए ये अनुवादित है, जर्मन भाषा से इसका अनुवाद किया गया है। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवासन, श्रीनिवास ऑप्शन नंबर ए। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, रंगम्मा कोई और था। रहते विश्वास कहानी, देखिए इसके साथ कोड़ी होता ने इसको लिखा था, बट इसका अनुवाद किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, और पिछले सेट में पूछा था मंगू के अलावा कितनी थी, तो उसमें 3 मारा गया था, इसमें 4 होगी क्योंकि मंगू को लगाकर 4। नगर कहानी जो है जो तमिल भाषा से अनुवादित की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, पाशुपति की उम्र, जब उसको टेटनेस हो गया था तो 12 वर्ष थी। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी किसके द्वारा अनुवादित है? देखिए अनुवादित है सावर दैया, इन्होंने ही लिखा था और इन्होंने ही अनुवादित किया था। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सॉल्यूशन आपके लिए कारगर साबित हो और आप अपने द्वारा हल किए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इससे मिलाकर और काफ़ी मार्क्स गेन करें, ऐसा मुझे कामना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। कल अगर देखिए तो मतलब मैं संस्कृत का के ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन कर पाऊँ तो ज़रूर लोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, डेट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।